मधुबनी में ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। NH 57 पर अररिया संग्राम में चुरकट्टा कट के पास हुआ हादसा। बाइक सवार युवक को ठोकर मारकर ट्रैक्टर का चालान हुआ फरार। ट्रैक्टर पर अवैध खनन का बालू लदे होने की आशंका। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अवैध खनन का बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अररिया संग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 57 पर चुरकुटा कट के पास हुआ, जहाँ फूलपरास में झंझारपुर आ रहे एक बाइक सवार को ट्रैक्टर चालक ने ठोकर मार दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान पटना के दीघा खगौल निवासी स्व रामाशीष राय के 39 पुत्र सुबोध राय कर सुबोध कुमार राय के रूप में हुई है। मृतक झंझारपुर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल एक के कार्यालय में कार्यरत कर्मी था। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो फूलपरास से झंझारपुर की ओर आ रहे बाइक चालक को बिना देखे ही बालू लदा ट्रैक्टर सड़क पर चढ़ा दिया, जिससे बाइक सवार को ठोकर लगी और घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि साल 2020 से झंझारपुर बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में कार्यरत था। फूलपरास के सिसवा बिरही में उनका ससुराल था। ससुराल से वापस झंझारपुर आते समय यह हादसा हुआ। मृतक के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पुलिस ने ठोकर मारने वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। अभी एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा घटनाक्रम बताया जाए। हाँ, एक कैजुअल्टी हुआ है हमारे यहाँ, जिनका नाम सुबोध कुमार है। ये दीघा पटना के रहने वाले हैं। इनको अररिया संग्राम थाना वाले वहाँ जो पुलिसकर्मी हुए लेके आए थे वहाँ, और पता चला है कि ये बाढ़ नियंत्रण कार्यालय झंझारपुर में कार्यरत थे। और इनका जो एक्सीडेंट हुआ है वो चिरकुट्टा चौक है अररिया संग्राम में, कहीं पे वहीं पे शायद ये हाईवे पर चल रहे थे, उधर से ट्रैक्टर आ रही थी, उसी ट्रैक्टर के ट्रॉली में इनका टक्कर हुआ है। क्या परिचय हुआ सर जी? परिचय, मेरा नाम डॉक्टर रमन पासवान है। मैं उपाधीक्षक हूँ अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के।